बल्ले ओ चलाक सज्जना वोटां पंजाब दियां सरकार बना ली बदलाव दा नारा दे के पंजाब दे विच ते हुण वकालत साडे सत्कार योग लाला जी अरविंद केजरीवाल जी कर रहे ने SYL दा पानी बराबर हरियाणे नूं देण लई और नाल भगवंत सिंह मान बैठे ने ओहदी हां दे विच हां वी मना रहे ने सिर हिला रहे ने कि हां जो लाला जी कह रहे ने ओह दुरुस्त है। दोस्तों एक गल अच्छी तरह आपां सब नूं याद होनी चाहिए है कि इंटरनेशनल रायपेरियन लॉज के मुताबिक पंजाब के दरियावां का पानी केवल तो केवल पंजाब का। जो कुछ पहला होया जो अवार्ड्स हुए जिहड़ा साडा पानी राजस्थान को दिता गया हरियाणे को दिता गया दिल्ली को दिता गया वह सरासर अनकॉन्स्टिट्यूशनल सीगा। ठीक है क्योंकि इस देश में असी घट गिणती हाँ इहदे विच उहनां दा जोर आ पार्लीमेंट विच उहनां दा जोर आ केंद्र दीआं सरकारां च उहनां दा जोर रहा दिल्ली के तख्त का जोर रहा साडा पानी उन्होंने धक्के ना ले लिया। लेकिन जिहड़ा SYL का पानी हुण जिहड़ी पिछले काफ़ी कुछ दहाकों तो SYL रुकी हुई है उसकी वकालत केजरीवाल साहब ये कहिंदे ने कि हरियाणे को भी पानी चाहिए पंजाब को भी पानी चाहिए इसलिए जो इसका हल है वो प्राइम मिनिस्टर साहब को दोनों स्टेट्स को बुला करके निकालना चाहिए अगर नहीं निकलता तो मेरे पास हल है। एडा पेचीदा मसला साडा जिस नाल इनू पानी नू अपनी लाइफ लाइन है साडी जिंदगी दी लाइन है क्योंकि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है पंजाब दे कोल कोई बंदरगाह नहीं है पंजाब दे कोल कोई इंडस्ट्री नहीं है और साडा जिहड़ा दरियावां दा पानी आ उही साडी जिंदगी आ उसे नाल साडी खेतीबाड़ी चलदी आ क्योंकि साडा पानी पहला ही राजस्थान हरियाणा ते दिल्ली गैर कानूनी ले जा चुके ने साडे दरियाई पानियां नू उहदी भरपाई करन लई असी पंजाब दे किसानां ने लगभग 14 लाख ट्यूबवैल थले जमीन विच गड्डिया होया वा और उस लगातार पानी नू अपने इस्तेमाल करन दे करके साडा जिहड़ा जमीन दी सतह दा पानी है नीचे वॉटर टेबल हैगा वह बहुत बुरी तरह डिप्लीट हो गया कई जगह पर 500-600 फुट पर पानी जा चुका वा और मैं पहला भी कहा वा कि इसकी नासा दी सैटेलाइट सानू रेड स्पॉट पर लेके आता कि अगर इसी तरह पानी असं यूज़ करते रहे तो वह दिन दूर नहीं गा जिस दिन पंजाब एक बंजर धरती होगी। इस करके ये जी नवी वकालत हो रही है हरियाणे की इलेक्शन मुख रख के क्योंकि एक जिमनी चोण आ रही आदमपुर की हरियाणे के और उस तो बाद हरियाणे की इलेक्शन 2023 ड्यू हैगी है तो केजरीवाल साहब बड़े होशियार ने उन्होंने पहला पंजाब के लोगों को काफ़ी व्डे पद्धर के उत्ते जोकर बनाया मूर्ख बनाया वोटा ले लिया सरकार बना ली और हूँ वह साढ़े पानी के सिर पर हरियाणे वोट लेना चाहते हैं और मैं कहना चाहना कि जो पानी नहीं होगा साढ़े को जो साड़ी खेती जी तबाह हो जाएगी तो फिर जरा पहले ही साढ़े 1 लाख करोड़ का कर्जा वा जिदे करके बहुत निरंतर किसान आत्महत्या कर रहे इन्हों राज 60-65 तो ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या की है इस 6-7 महीनों के और उस कर्जे च भी इजाफा होगा तो नाल जड़ा है साढ़े आत्महत्यावान किसानों दियाँ वह वधनगियाँ क्योंकि साढ़े को जिदा मैं कहा कि बॉर्डर स्टेट है या तो साडा होवे ना कि साडा बॉर्डर पाकिस्तान दे नाल खुला होवे साडा समान जिहड़ा वा इंडस्ट्री का ते साडी खेती का वो पाकिस्तान जरिए जिहड़ा पुराना सेंट्रल एशिया का रूट सी जिहड़ा किसे वेले सिल्क रूट कहिंदे सी व्यापार का उत्थे साडा समान जावे अफगानिस्तान के बाजारां च जावे ईरान विच जावे तुर्कमेनिस्तान च जावे उज़्बेकिस्तान दे विच जावे जॉर्जिया विच जावे रूस तक जावे फिर तो कुछ सानू समझ आउंदी कि साडा जिहड़ा खुशहाली हो सकती सी। लेकिन जदों सारे पासों बंद किया हुआ पंजाब नूं बंदरगाह साढ़े कोई है नहीं गी तो साढ़े केवल तो केवल एक खेती आ ते खेती पिछले काफ़ी अरसे तो फसलों दी कीमतां ना ठीक मिलनियाँ जिहड़ियां कीड़े मार दवाइया खादा बीज सब स्पूरियस डुप्लीकेट मिलन करके किसान जिहड़ा सीगा वह बहुत निराश ते हताश होया एग्रेरियन इकोनमी कोलैप्स कर गई असी सब कुछ अपना वार के इस देश का अनाज का भंडार तो भर दिता लेकिन अज साडा किसान भुखा सुत्ता वा और रोज़ धरनिया बैठे अज भी जो आप गल कर रहे हैं अज साडे किसान जिहड़े ने संगरूर भगवंत मान के घर पक्का धरना ला के बह गए ने इस बारिश के मौसम में ट्रालिया के तरपाला पा के बैठे ने ते लाला जी कहिंदे ने कि असी पानी जिहड़ा हरियाणे नूं देवांगे यह सरासर बेईमानी आ इह साडे नाल धोखा वा यह पंजाब दे नाल वितकरा वा यह पंजाब दे नाल एक जिदा कहिंदे कि उहदी पिठ विच छुरा मारन वाली गल हैगी आ। मैं कहना चाहुंदा कि सिद्धू मूसेवाले ने अपने गाने च कहा सी ना कि असी एक तुपका भी नहीं देना साडे कोल पानी है ही नहीं गा असी एक तुपका भी पानी दा पंजाब दा अफोर्ड नहीं कर सकते किसी होर स्टेट नूं और टेक्निकली स्पीकिंग जे आपां रायपेरियन लॉ विच जाइए तो जिहड़े पंजाब दे 3 दरिया ने
सतलुज ब्यास और रावी ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਬੇਸਨ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆ ਵਗ ਕੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇੰਡਸ ਬੇਸਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਹੈਗਾ ਘੱਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਯਮਨੇ ਦਾ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਯਮੁਨਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗੰਗਾ ਬੇਸਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਇਹ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਬੇਸਨਸ ਵੀ ਅਲੱਗ ਨੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਸਾਡਾ ਇੰਡਸ ਬੇਸਨ ਹੈ और इन्हों का गंगा बेसन है और साडा जिहड़ा पानी जिदा इस वायल का हैगा अगर साडा पानी यह किसी भी होशारी हालांकि कोर्ट्स ने भी साढ़े उल्ट फैसला किया मैं इतने गल कहना चाहना कि ठीक है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 100 बार हुण बीजेपी के नाल उन्हां दे रलेवे हो गए ने उन्होंने बीजेपी की लाइन टोक की लेकिन 2004 विच टर्मीनेशन ऑफ वाटर्स एग्रीमेंट एक्ट जिहड़ा पास होया करके साढ़े 15-20 साल लंघ गए ने यह हुण मुनसर हैगा वा कि पंजाब की गवर्नमेंट अपने केस नूं किदां डिफेंड करदी आ किन्नी मजबूती नाल खड़दी आ अगर साढ़े केस विच कोई उनताई भी हुंदी आ तां फिर उहनूं असीं पब्लिक डोमेन च लिजा के किसी वेले जिदां करनाटका ते तमिलनाडु दा जिहड़ा कावेरी वाटर्स दा झगड़ा सीगा करनाटका दी विधानसभा ने सुप्रीम कोर्ट दे आदेशां नूं वी डिफाई कीता काफ़ी हद तक सो सानूं तां इह तैयारी करनी चाहीदी मानसिक तौर ते कि जे इस वायल दा पाणी कोर्ट कचहरी भी साढ़े तों खुंदी आ असीं तां वी अपने हकूक दे वास्ते लड़ना वा ते बिना लड़े भगवंत सिंह मान उत्थे बैठे सिर हिलाई जांदे ने ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖਦਾਈ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਾਸਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸਿਰ ਤੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਣੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਸੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤੇਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਇਕੱਲਾ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਈਏ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਸ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਤੌਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮਪਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਭਾਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਪੁੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਦੇਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਖੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਦਾ ਬੋਲਦਾ ਵਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੰਨੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ ਐਵੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਪੜਾਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਬੌਕਰ ਵਾਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਹ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੈਟਨਰੀ ਅਫਸਰਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਐਵੇਂ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਲੜੋ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਲੜੋ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀਏ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀਏ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।